अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम आपको अठाडी बराज मंडी बाबूदीन में लेके जाएंगे और आपको मुख्तलिफ दुकानों पर लेके जाएंगे और मछली टेस्ट करके बताएंगे कि हमारे हमें कौन सी दुकान की मछली अच्छी लगी। तो चलिए आए, मैं आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हम अब जा रहे हैं रास्ते में। आप ये देखिए कितना सब्जा है, तो सड़क भी बहुत अच्छी है। हमें तो ये सड़क बहुत अच्छी लगती है, तो हम ही फिर सड़क से ही जाते हैं हर बार। तो अब हम ये इस सड़क से जा रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें। आप हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते तो आपने कमेंट में बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो अब ये हम नाइल पे चढ़ने वाले हैं, तो ये देख ले, हम अब जाने लगे हैं। ये हमारी खूबसूरत सी नाइल, ये देख ले। ये वही नहर है जो हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी, ये बहुत ही खूबसूरत है। हम आपको एक और इससे बड़ी वाली नहर भी दिखाएंगे आगे चल के। ये देखें यहाँ पे हम अब जाने लगे हैं, ये पुल से उतरे हैं। और ये देखें सबका यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है ये सारा कुछ। तो अब हम ये बड़ी नहर पे जाने लगे हैं, तो देखें ये बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें ये बहुत ही खूबसूरत है। ये दरियाए जेलम से आती पानी सारा आता है। तो ये देख लें कितनी खूबसूरत नहर है। आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ये नहर कैसी, ये कैसी खूबसूरत, कितनी खूबसूरत है। और चलेंगे, आप पुल से उतर के हैं तो आपने ये भी बताना है कि आपको वो छोटी वाली नहर ज़्यादा पसंद आई या बड़ी वाली। तो ये देख लें अब हम जा रहे हैं, तो ये देख लें कितना खूबसूरत माहौल है। तो अब हम पहुँच गए हैं मौलवी आसफ मछली फरोश। तो ये दुकान पर हम पहली बार आए हैं, तो अब हम ये चेक करेंगे तो कि मछली कैसी है। तो अब हम चलते हैं किचन की तरफ। ठीक है, ये रोटी तैयार हो गया। अब हमारे पास बंदिश पे ये बगैर काटे तो बच्चे वास्ते, ठीक है। ये शिंगारा है, ये कलर हुआ है, ये गुलफाम है, उसके अलावा ये पया है कलर और ग्रिल में, ठीक है। अब ये रहता है हमारा बड़ा मशहूर, ठीक है। अब ये इधर आओ, ये हमारा शिंगारा फ्राई हो रहा है, शिंगारा ठीक है, साफ है। आगे आओ, नाज़रीन आप पैकिंग देख सकते हैं, इंतहाई सफाई का ख्याल रखा गया है, कोई कचरा नहीं है। इंतहाई बेहतरीन है ये मंडी बाबूदीन अठाडी बिराज पर। अठाडी पर जब आएंगे मौलवी फिश के नाम से मशहूर हैं, तो ये इन लिहाज इंतहाई लजीज जायकेदार मछली होती है इनकी, बहुत ही मशहूर मछली है। तो आप सफाई देख सकते हैं, बिल्कुल कहीं भी गंद नहीं है। तो ये आप गाह को सर्व करने के लिए भेज रहे हैं। साफ सुथरा माहौल है बिल्कुल। ये दुकान बहुत ही मशहूर है मछली की, तो अगर कभी मंडी बाबूदीन आपका आना हुआ तो इस जगह आइएगा, आपको यहाँ हर किस्म की मछली मिलेगी। और नहर देख सकते हैं सफाई का कितना ख्याल रखा गया है। अभी यहाँ पर गाहक नहीं है क्योंकि शाम के बाद आते हैं, हम ज़रा जल्दी आ गए थे।
ये ओनर हैं, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो जी? की किस रेट तक मिल जाती है? हमारे पास मछली होती है 1200 किलो होती है, 1200 से लेकर 2500 रुपये लग जाती है। पाकिस्तान के बेहतर की मछलियाँ हैं वो तकरीबन 1200-1300 रुपये किलो, गैर मुल्क जो है 3000 का 2500 रुपये। आप आइएगा मंडी बाउलदीन, जब भी आना बने तो आठाडी पर जब आएंगे तो यहाँ पर इनकी ये दुकान मौजूद है, तो आप आइएगा इंशाल्लाह ना आपको पसंद। तो अब हम आपको इनका फैमिली हॉल भी दिखाएंगे जो बहुत ही खूबसूरत है। तो अब हम अंदर जाने लगे हैं फैमिली हॉल के, तो ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये होगा भी क्योंकि यहाँ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा गया है। यहाँ पे पर्दे का भी इंतज़ाम है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। ये देखें पर्दे का इंतज़ाम, ये डाइनिंग टेबल है, ये देख लें कितना कितनी इन्होंने सफाई से रखा हुआ है, ये देख लें आप कितना प्यारा है खूबसूरत। मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लगा, अगर आपको भी लगा है तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये फैमिली हॉल और होटल कैसा था। तो ये हमारी अब आ गई है रेट लिफ्ट, ये देख सकते हैं आप ये फिश की कीमत। तो ये देख लें आगे ये फिश की लिस्ट है और ये, तो ये है हमारी रेट लिफ्ट और हम मछली पक के आ चुकी है और अब हम इसे ट्राई करेंगे और बताएंगे कि हमें मछली कैसी लगी। ये मुझे तो पसंद है, ये देख ले अब मैं खाने लगी हूँ, मुझे तो बहुत ही मजे की लगी है। ये देख ले बिल्कुल टेस्टी है, मैं तो 50 में से 50 देती हूँ और मैं 100 में से 100 देता हूँ, ये बहुत ही मजे की है। आप भी यहाँ पर आएंगे तो जरूर इसे ट्राई करिएगा, ये बहुत ही मजे की है। तो ये देख लें अब हम चेक कर रहे हैं ये कितने मजे की है, ये देख लें अब मैं खा रही हूँ। तो ये तो बहुत ही मजे की थी और आप भी आएं और इसे खाएं और बताएं कि कमेंट में बताएं कि आपको क्या इनकी मच्छी अच्छी लगी कि नहीं। ये मुझे तो बहुत पसंद आई है, देख लें अब ये मैं कह रही हूँ मुझे पसंद आई है। आपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और कमेंट में बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।